स्टडी आईक्यू आईएएस, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है करम योगी दिवाकर बोथरा और मैं आप सबका स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सबको पता है, जो लोग फॉलो कर रहे हैं सोशियोलॉजी का लेक्चर स्टडी आईक्यू के प्लेटफॉर्म के अंदर, हमने देखा कि हमने एक बहुत बड़ी फीट अचीव की जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ने आज तक नहीं की, जहां पे पूरा पेपर वन सोशियोलॉजी का कट टू कट, टॉपिक टू टॉपिक एंड सब टॉपिक टू सब टॉपिक हमने कवर किया हुआ है। पेपर टू हम जल्द ही स्टार्ट करेंगे, जहां पे फिर सोशियोलॉजी इन 10 मिनट्स में पूरा पेपर टू कवर किया जाएगा कुछ एपिसोड्स के अंदर। लेकिन उससे पहले मुझे लगा कि जब पेपर वन का कंटेंट हो गया है तो क्यों ना कुछ कंटेंट एनरिचमेंट कर लिया जाए पेपर वन का, जहां पे मैं ये कोशिश करने वाला हूं कि कुछ ऐसे स्कॉलर्स, कुछ ऐसे थिंकर्स जो डायरेक्टली आपके सिलेबस में शायद नहीं है, लेकिन कई बार उनके ऊपर क्वेश्चंस भी आए हैं और कई बार अगर क्वेश्चन नहीं भी आए तो उनका जो कंटेंट है आपके आंसर को एक नया, एक अच्छा सा वेटेज दे सकता है, एक अच्छी सी नोवेलिटी अटैच कर सकता है, जो मैं हमेशा स्ट्रेस करता हुआ आया हूं कि एक नोवेल पॉइंट इन वन आंसर वुड टेक यू हाफ मार्क अहेड। सो रफली अराउंड 38 to 40 मार्क्स अहेड आप हो जाते हो, देन यू आर एट अ वेरी गुड पोजिशन। तो वहां पे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। 240 और 50 आने वालों को सिर्फ अगर 30 मार्क और एक्स्ट्रा मिल जाए तो वो 290-280 तक पहुंच सकता है आराम से। तो अब इस सीरीज के अंदर मैं कोशिश ये करूंगा, मैं कंटिन्यू सीरीज को तभी करूंगा जब अगर मुझे कमेंट सेक्शंस के अंदर आप लिटरली मेंशन करो कि यस सर, दिस इज समथिंग विच इज हेल्पिंग अस। दो चीजें करने वाला हूं 10 से 15 मिनट के लेक्चर के अंदर। एक स्कॉलर के पर्टिकुलर थियरी का एसेंस मैं बताऊंगा और उसको यूज और उसका फोकस पॉइंट बताऊंगा, ताकि उस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए तो ये स्कॉलर का ये 2-3 लाइन या फिर ये थियरी का पार्ट यूज किया जा सकता है। तो आज से एक अलग से किताब डाल लो जिसके अंदर आप लिख सकते हो सोशियोलॉजिस्ट, कॉन्टेम्प्रेरी सोशियोलॉजिस्ट, और 2-2, 5-5 पॉइंट के नोट्स अगर आप बना लेते हो तो इट विल बी हेल्पफुल। और जहां तक बात है ये सारी पीपीटीज की, कई बार मैं पीपीटीज भेज नहीं पाता हूं, नॉर्मली मैं बोर्ड से पढ़ाता हूं, यहां पे मैं कोशिश करूंगा कि पीपीटी से पढ़ाऊं। और टेलीग्राम चैनल मेरा ये है जिसके अंदर आप ज्वाइन कर सकते हो, जहां पे ये पीपीटीज मिलेगी। और साथ ही साथ में अगर मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करना चाहते हो, अगर कोई भी अगर सवाल आपका सोशियोलॉजी या फॉर दैट मैटर पूरी यूपीएससी की तैयारी से कहीं जुड़ा हुआ है, तो यू कैन डेफिनेटली ड्रॉप मी अ मैसेज। आई ट्राई माई लेवल बेस्ट टू रिप्लाई एज सून एज पॉसिबल। साथ ही साथ के अंदर एक जो पीपीटीज है वो यहां पे आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, नॉट ऑन द इंस्टाग्राम। आज का जो स्कॉलर है वो है फर्डिनैंड टोनिस। टोनिस के ऊपर मजे की बात ये है कि क्वेश्चन आया हुआ है, आई थिंक 2 या 3 साल पहले वेबर, टोनिस और डर्खाइम, इनकी थियरीज के बारे में पूछा गया है। टोनिस एक ऐसा स्कॉलर है जो समहाउ अगर आपने डर्खाइम को डीपली पढ़ा है तो थोड़ा बहुत वहां पर जरूर इसके बारे में सुनते हैं। इनकी एक थियरी है जेमाइन शाफ्ट एंड जेशल शाफ्ट। इसको कहीं ना कहीं आगे जाके पेपर टू में मैकी मैरियट मिल्टन सिंगर का जो यूनिवर्सल पेरोकलाइजेशन प्रोसेस है उधर भी कनेक्ट किया जाता है। अगर सिंपल तरीके से बोलूं तो ये दोनों जो टर्म, ये किताब लिखी गई थी, ये दोनों जो टर्म है एक ट्रेडिशनल सोसाइटी को दर्शाता है और एक मॉडर्न सोसाइटी को दर्शाता है। पूरे डिस्कशन के अंदर आपको ये पॉइंट यूज कहां पे आएगा सोशियोलॉजी में, सर इसको यूज कहां पे करेंगे हम, जो थियरी हम समझने वाले हैं, इसका यूज आपको मिलेगा कम्युनिटी और सोसाइटी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए, जहां पे ट्रेडिशन और मॉडर्निटी की चेंजेस के बारे में बात हो रही है, या फिर ट्रेडिशन सोसाइटी के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, मॉडर्न सोसाइटी के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। वेबर ने बोला कि भैया रैशनैलिटी, डर्खाइम ने बोला मैकेनिकल एंड ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी। वहीं पे आप एड ऑन कर सकते हो फर्डिनैंड टोनिस, जहां पे आप बता सकते हो कि विल, इच्छा किस टाइप की होती है, वो भी कहीं ना कहीं हमें इंडिकेशन देता है कि समाज ट्रेडिशनल है या समाज मॉडर्न है। ना कि सिर्फ टेक्नोलॉजी, रैशनैलिटी या सॉलिडारिटी पे खेलना, यहां पर यह वाला पार्ट कैन लार्जली हेल्प यू टू डेवलप ए बेटर अंडरस्टैंडिंग। अब स्टार्ट करते हैं फर्डिनैंड टोनिस, ये जेमाइन शाफ्ट और जेशल शाफ्ट के अंदर कहते क्या है, हाउ डज दिस एग्जैक्टली इज रिलेटेड टू योर कम्युनिटी एंड सोसाइटी। अगर हम देखें, वेबर, डर्खाइम और टोनिस ऐसे लोग हैं जो माने जाते हैं फाउंडर्स, कैन बी कंसीडर्ड एज फाउंडर्स ऑफ सोशियोलॉजी एंड ऑफन कंसीडर्ड एज फाउंडिंग फादर्स ऑफ सोशियोलॉजी। ये तीनों की थियरीज ने बहुत इंटेंसिवली कॉन्ट्रीब्यूट किया एटलीस्ट in establishment of sociology and also responsible for its maturity and progression. अब टोनिस साहब का कहना क्या है,
टोनिस बोलते हैं, टोनिस मेजर कंट्रीब्यूशन टू द डिसिप्लिन वाज हिज एनालिसिस ऑफ कंट्रास्टिंग टाइप ऑफ सोशल ग्रुपिंग्स इन हिज इन्फ्लुएंशियल बुक जेमाइन शाफ्ट एंड जेशल शाफ्ट, जो लिखी गई थी समवेयर अराउंड 1887, जहां पे हम देखते हैं कि डर्खाइम जस्ट स्टार्ट होने वाले होते हैं, 1891-92 के आसपास डिवीजन ऑफ लेबर थियरी आती है। इसीलिए हम देखते हैं कहीं ना कहीं ये टोनिस का बहुत इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंस देखा जा सकता है एज फार एज डिवीजन ऑफ लेबर थियरी ऑफ इमाइल डर्खाइम इज कंसर्न्ड। ईयर इज नॉट इंपॉर्टेंट, जस्ट कि कहीं ना कहीं ये डर्खाइम के टाइम के आसपास के स्कॉलर हैं या उनके कॉन्टेम्प्ररी माने जा सकते हैं। इन दिस बुक जेमाइन शाफ्ट और जेशल शाफ्ट, टोनिस पॉइंट्स आउट व्हाट ही सीज as distinction between traditional rural communities and modern societies. इस किताब के अंदर ये देखते हैं कि traditional और rural societies के बीच में difference क्या होता है, कैसे दोनों के अंदर क्या ऐसी चीजें हैं, क्या ऐसी characteristics है जो इन दोनों को जुदा करती है, जो इन दोनों को differentiate करती है। Traditional versus modern की debate, Jemaine Shaft वो सोसाइटी है जो ट्रेडिशनल से कनेक्ट की जाती है। दिस वर्ड ऑफ जेमाइन शाफ्ट इज ऑफन यूज्ड एंड ऑफन अटैच्ड विद द ट्रेडिशनल सोसाइटीज। ट्रेडिशनल सोसाइटी के लिए आप विलेज को दिमाग में रख सकते हो ताकि ये चीजें समझ में आए आपको जो ये बोल रहे हैं। विच इज बेस्ड ऑन द बॉन्ड्स ऑफ फैमिली, यहां पे फैमिली की बॉन्डिंग्स बहुत स्ट्रांग होती है। एंड सोशल ग्रुप सच एज चर्च, जो इनकी जो ऑर्गेनाइजेशंस है, कुड बी चर्च, कुड बी कास्ट एसोसिएशंस विद रिस्पेक्ट टू विलेज इफ यू आर कीपिंग दैट इमेज इन योर माइंड। स्मॉल स्केल कम्युनिटीज टेंड्स टू हैव कॉमन गोल्स एंड बिलीफ सिस्टम्स, इनके जो बिलीफ सिस्टम्स है वो काफी कॉमन होते हैं, जो मैकेनिकल सॉलिडारिटी में डर्खाइम के दिखाई देते हैं और वो बताते हैं। एंड इंटरेक्शंस विद इन देम आर बेस्ड ऑन ट्रस्ट, ये सेम चीज जो ट्रस्ट वाला है, एंथनी गिडन्स भी आगे जाके जो कंटेंपरेरी सोशियोलॉजिस्ट है बोलते हैं कि ट्रस्ट इन द ट्रेडिशनल सोसाइटीज वाज बेस्ड ऑन फैमिलियरिटीज। देयरफॉर ये चार पांच कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं ट्रेडिशनल सोसाइटी के, कैसे फैमिली और कम्युनिटी सेंट्रिक होती है, कॉमन बिलीफ सिस्टम्स होते हैं, जो ट्रस्ट करने के इंट्रैक्शन करने के तरीके हैं वो कहीं ना कहीं एक दूसरे के फैमिलियरिटी पे, और इंट्रैक्ट आप इसलिए करते हो क्योंकि लोगों को आप ट्रस्ट करते हो। आप एक जाओ ज्वाइंट फैमिली सिस्टम्स के अंदर, आप जाओ विलेज कम्युनिटीज के अंदर, हम एक दूसरे से हर चीज डिस्कस करते हैं बिकॉज वी ट्रस्ट देम। लेकिन वहीं पे आप मॉडर्न सोसाइटी में आओगे तो अपने वर्क स्पीयर के अंदर अपनी फैमिली लाइफ को आप डिस्कस नहीं करते हो। आज के टाइम पे क्या कहा जाता है कि अपनी वीकनेसेस को कभी डिस्क्लोज मत करो, लेकिन वहीं पे पहले का जमाना देखा जाए और आज भी कुछ विलेजेस में देखा जाए तो हम आज भी अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं कि यार बहू के साथ बन नहीं रही है, अरे यार वो बेटे से थोड़ी सी अनबन हो गई है मेरी, अरे यार बाऊजी काफी परेशान रहते हैं यार, काफी कुछ मतलब डांटते रहते हैं बिना वजह के। We keep on discussing things. Why? We trust people that those people are there to help us. Those people would not play our deficiencies or our weaknesses against us. In Jeshel Shaft, relationships are more impersonal and superficial. ये था Jemaine Shaft, ये Jeshel Shaft, जो modern society, city को दिमाग में रख सकते हो। ये superficial और impersonal relationship है। याद है Max Weber का Iron Cage of Rationality, आज modern society में हमारी relationship काफी superficial है। हम एक relationship में enter करते हैं on the basis of कि भैया bank balance कितना है, सुंदरता कैसी है। The union is of bodies, not of souls, not of values. This is what Ferdinand Tony says कि Jeshel Shaft के अंदर relationship ज़्यादा impersonal है। We are more rational in nature, more logical in nature. We largely maintain relationships on the basis of our benefits. Impersonal है और superficial है, and based on individual self-interest rather than on the basis of mutual aid. हम वही relationships कहीं ना कहीं हमारे benefit से बाहर चली जाए तो हम उन relationships से बाहर आ जाते हैं। And that's the reason we often say today in the context of marriage, what? कि मैरिजेस अगर कहीं ना कहीं दुख दे रही है तो शादी से बाहर आ जाओ। इसमें सही गलत का कोई अनुमान नहीं लगाएंगे, लेकिन हम देखते हैं कि यही शादियां जब पहले के जमाने में देखें, अब कोई इसे पैट्रियार्कल समझ सकता है, कोई इसे किसी और तरीके से समझ सकता है, हम उसको निभाने की कोशिश करते थे ना कि उसे तोड़ने की कोशिश करते थे, बिकॉज वी आर मोर सेल्फ सेंट्रिक टूडे। इनफैक्ट कहीं ना कहीं जो मां बाप है वो भी काफी सेल्फ सेंट्रिक है कि यार मोबाइल लेके बच्चों को बिठा दिया गया कि लेट्स, बिकॉज वी वांट आवर मी टाइम, वी वांट आवर ओन टाइम।
माँ बाप अकेले हॉलीडेज पे जा रहे हैं छोटे बच्चों को अपने दादा दादी या नाना नानी या गार्जियन के पास छोड़ के, लेकिन पहले के जमाने में अगर मैं मेरे पिताजी की बात करूं तो वो चाहते थे, या फॉर दैट मैटर आपके या आपके पिताजी के पिताजी, तो देखते हैं कि पूरे फैमिली को साथ में लेके जाया जाता था। ऐसी ऐसी पंजाबी मूवीज देखी है मैंने जहां पे हनीमून के अंदर पूरी फैमिली साथ में जा रही है। सो वी सी मोर सेल्फ सेंट्रिक, मोर सेल्फ इंटरेस्ट एंड म्यूचुअल एड के बेसिस पे नहीं, एक बेनिफिट के बेसिस पर रिलेशनशिप्स होती है। कितनी बेहतरीन तरीके से जिमाइन शेफ्ट और जैशल शेफ्ट के बहुत सॉलिड से कैरेक्टरिस्टिक्स फर्डिनैंड टोनिस ने आपके सामने रखे। अब ये बोलते हैं कि सोसाइटी के अंदर इस तरीके की चीजें क्यों डेवलप हुई, इसका मूल कारण क्या है। डर्खाइम बोलते हैं एक तरफ सिमिलैरिटी और डिपेंडेंसी, यहीं पे टोनिस भी इस चीज को फाइंड आउट करने की कोशिश करता है, व्हाट आर द थिंग्स व्हिच लार्जली डेवलप्स दीज कैरेक्टरिस्टिक्स इन दीज रेस्पेक्टिव सोसाइटीज। एंड इन दिस कॉन्टेक्स्ट ही सेज इट इज द विल, इट इज द आइडिया ऑफ विल, द नेचर ऑफ विल, नेचर ऑफ कमिटमेंट व्हिच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दीज कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट इन दीज सोसाइटीज। अब यहां पे वो दो टाइप की विल्स डिस्कस करते हैं। ये दोनों वर्ड मार्क करके रख लेना, ये जो नई किताब आपने डाली है, ये दोनों विल्स आपको कई बार यूज हो सकती है सोशियोलॉजी के डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स के अंदर, चाहे वो रिलीजन से रिलेटेड हो, सेक्युलरिज्म से रिलेटेड हो, जॉइंट फैमिली से रिलेटेड हो, या फॉर दैट मैटर विलेज कम्युनिटीज, अर्बनाइजेशन, रूरल, या वुमेन वायलेंस से रिलेटेड हो। मेक श्योर ये बहुत सारी जगह यूज की जा सकती है, एंड ट्राई टू, आई हैव शोन यू 4 to 5 वेज इन विच इट कैन बी यूज्ड, यू आल्सो ट्राई टू राइट 3 more ways सो दैट यू कैन यूज दोज कंटेंट। आज से इन सेशंस का गोल ये नहीं होना चाहिए कि सर कंटेंट दे रहे हैं समझ गए, आज से आपके कंटेंट का यूजिबिलिटी भी समझ में आना चाहिए आपको। अब दो विल्स के बारे में बात करते हैं, एंड ही सेज एट द रूट ऑफ टोनीज थियरी वॉज हिज आइडिया ऑफ विल, व्हाट मोटिवेट्स पीपल टू टेक एक्शन, either in this societies or either in these societies. He distinguished between what he called as Wesson will, that is natural will, and Kur will, that is rational will. ये जो दो टर्म है ये याद रहने चाहिए, रैशनल और नेचुरल नहीं, Wesson will, natural will, and Kur will, rational will. ये दो टर्म प्लीज मेक श्योर, सोशियोलॉजी आंसर्स में थिंकर से नहीं आती है, सोशियोलॉजिकल वर्ड्स होना ही आंसर को सोशियोलॉजिकल बना देता है। डू नोट दीज टू टर्म्स, राइट द थिंकर टोनिस, टाइप्स ऑफ विल, Wesson will, natural will, Kur will, rational will. अब ये विल होती क्या है, Wesson will जो नेचुरल विल है वो बताते हैं, इज द इंस्टिंक्टिव विल टू डू समथिंग फॉर इट्स ओन सेक, आउट ऑफ हैबिट और आउट ऑफ कस्टम और आउट ऑफ मॉरल ऑब्लिगेशन। तो हम जो बड़ों को प्रणाम करते हैं, हम जो गुरु का रेस्पेक्ट करते हैं, या फिर जो ट्रेडिशनल सोसाइटीज के अंदर प्रैक्टिसेस किया करते थे, कल्चर से रिलेटेड, रिलीजन से रिलेटेड, रिचुअल से रिलेटेड, दैट वाज आउट ऑफ हैबिट। यहां पे हम नेचुरली या कुछ मतलब इट जस्ट लाइक एन इंस्टिंक्ट, इट कुड बी एन हैबिट और इट कुड बी लार्जली अ पर्टिकुलर कस्टम और मॉरल ऑब्लिगेशन आउट ऑफ विच वी लार्जली यूज टू परफॉर्म दीज। हम सोचते नहीं थे इसके बारे में, अरे भाई के साथ लड़ाई होगी है कोई दिक्कत नहीं है यार, भाई के साथ हम खड़े हैं, देखा जाएगा जो होगा। आप रैशनल नहीं थे कि भाई गलत है कि सही है, आप उनके साथ खड़े थे। कर्ण इज अ वेरी गुड एग्जांपल, जो Wesson will से गाइडेड थे, जहां पे कर्ण ने दुर्योधन का या फिर सुयोधन जैसे आप बोलना चाहो, उनका साथ इसी चीज के लिए दिया कि जब कोई उसका साथ नहीं दे रहा था तो दुर्योधन या सुयोधन ने दिया था, और उसके बेसिस पे वो उनके साथ खड़ा रहा अपनी अंतिम सांस तक। वो रैशनल विल से नहीं था, सही कौन है गलत कौन है, वो था ऑन द बेसिस ऑफ Wesson will। Kur will क्या होता है, मोटिवेट्स अस टू एक्ट इन प्योरली रैशनल मैनर। जो वेबर आगे जाके रैशनैलिटी की बात करता है, फॉर्मल रैशनैलिटी, स्पेसिफिक गोल ओरिएंटेड एक्शंस, हम रैशनल तरीके से एक्ट करते हैं टू अचीव स्पेसिफिक गोल, एंड इट्स टाइप ऑफ विल बिहाइंड डिसीजंस मेड इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। जब आप बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में जाओ तो वहां पे इमोशंस या Wesson will से नहीं चलता है, Kur will से जमाना चलता है, चीजें चलती है। इट इज Kur will दैट लाइज इन जैशल शाफ्ट, Wesson will विच लाइज इन जमैन शाफ्ट। इस तरीके से अगर इसको समराइज किया जाए पूरे पार्ट को, नेचुरल विल टू एक्ट कोऑपरेटिवली, दिस इज फीचर ऑफ ट्रेडिशनल कम्युनिटी, जमाइन शाफ्ट। रैशनल विल टू एक्ट फॉर अ स्पेसिफिक फीचर, स्पेसिफिक गोल, दिस इज अ फीचर ऑफ मॉडर्न सोसाइटी, जैशल शाफ्ट। ये वाला पार्ट भी अगर चार लाइन लिख के रख ली आपने थिंकर्स वाले पार्ट में, आप ये जो नया किताब है, और 2-4 लाइन एड कर दी, पूरा का पूरा लेक्चर डन है, साथ में लिख दिया, तो आप नोट्स कैसे बनेंगे। इस तरीके से ये 3 चीज लिखी, स्कॉलर लिखा टोनिस, विल लिखी, ट्रेडिशनल मॉडर्न सोसाइटी के कैरेक्टर्स लिखे, नीचे लिखोगे रेड पेन से यूज इन द टॉपिक्स,
चार पांच टॉपिक जो मैंने बताए और दो तीन टॉपिक आप एड ऑन कर सकते हो जस्ट टू फोर्स योर ब्रेन टू थिंक बियॉन्ड। और ये सारी की सारी चीजें मैंने एक किताब लिखी थी एक टाइम पे, 60+ सोशियोलॉजिस्ट, ऐसे बहुत सारे सोशियोलॉजिस्ट जो कुछ मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। यहां पे 60+ नाम है, टेक्निकली यहां पे 80 से ज्यादा सोशियोलॉजिस्ट मैंने डिस्कस किए हुए हैं। If you people are interested to buy this book, my Telegram and Insta link is already given to you. You can just drop me a message. A very affordable book for those people specifically. It's a must-have book. Those who wants to enrich their sociological content. Those people who are lying stagnating at the marks of 260, 265 and 70, they should definitely have this to add that novelty. Thank you so much. I hope these sessions are helping you. At the same time, there is one important announcement. Our Thinkers Batch, which we have started with, is going to close on 12th of December. Join this batch, जहाँ पे ऐसा बहुत सारा content में जो respective thinkers से connect हो सकता है, वहाँ पे करता हूँ. Not just the syllabus, we go beyond the syllabus. और इस session से एक चीज समझ में आ गई होगी कि किताब जो है, अगर मैं ये पूरा का पूरा lecture सिर्फ आपको बताता, टोनिस ये बोल रहे हैं, ये देखो, ये देखो, तो आपको समझ में आता, आप यूज नहीं कर पाते। लेकिन इस 20 से 25 मिनट के सेशन में मैंने आपको बताया, टोनिस ये बोल रहे हैं, यहां पे ये यूज होता है, ये इंपॉर्टेंस होती है कोचिंग की, ये इंपॉर्टेंस होती है मेंटरशिप की, दैट दे नॉट ओनली टीच यू द कंटेंट बट दे ऑल्सो टीच यू हाउ टू यूज द कंटेंट। सो इफ यू पीपल are preparing for 2025, then this is surely the batch, the only batch which you would ever require with respect to your sociology. I promise you on that front. The words may lie, but the vibes would never lie. And please do comment, leave a comment. You people never leave a comment. थोड़ा सा तो कहीं ना कहीं यार जेशल शाफ्ट, जिमैन शाफ्ट के जैसे एक्ट करें, वेशल व्हील के जैसे एक्ट करें कि एटलीस्ट इफ somebody is trying to give us add on content, at least a gratitude message can be lived or a comment can be lived in the video sections. Thank you so much. Have a nice day. You can use any of those quotes. Get into the batch and feel the rhythm of sociology. Thank you. Study IQ IAS. अब तैयारी हुई affordable.